हमारे भाई बड़ा मचल के जलसों में कितनी बार कहते मचल के पढ़ो, अल्लाह मसल्ली अला सय्यदना व हबीबिना व शफी, अरे जोर से पढ़ो अल्लाह मसल्ली अला सय्यदना व हबीबिना। पता नहीं ये लाए कहां से सैयदना व हबीबिना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, बती ने ला के खंबा जोड़ा, पूरी हदीसें पढ़ जा लो कहीं मिलता ही नहीं है, ये कुरान खानी हो रही है। अब आप कहोगे मौलाना साहब कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, उसमें बुराई क्या है? फिर वही बात, आप जुमे के दिन डबल अजान दे रहे हैं, इसका सबूत हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। यहां हकीके में एक ही काय में साथ साथ हिस्से जो किए जा रहे हैं, हमें इसका सबूत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगते हो, हमें इसकी दलील कुरान और हदीस से दो। जुमे की नमाज के बाद इमाम हाथ उठाकर दुआ करे और सारे मुक्तदी दुआ में आमीन आमीन कहे, हमें इसकी दलील नबी अकरम की हदीस से दो। अब हम अंदाजा लगाएं, सोचें कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं, नबी अकरम ने हमें कितना दिया है, और हम दीन के अंदर कितनी चीजों का और इजाफा कर रहे हैं। और ताज्जुब तो यह है कि यह सब दीन समझकर, कोई नया घर बनवा रहा है। चलिए मौलाना साहब क्या हुआ, नया घर बनाया है, दुआ कर दीजिए। मौलाना जर्जीस 10-15 आदमियों के साथ जा रहे हैं और नया घर बन गया, दुआ कर रहे हैं अल्लाह तेरे घर में बरकत दे। अब उस घर में टीवी चलेगी, स्टार प्लस चलेगा, नाटक देखा जाएगा, सास भी कभी बहू थी ना, सही है ना, बहू भी कभी सास भी कभी बहू थी, हाँ जी सही, ये सब चलेगा उसमें सीरियल। लेकिन मौलाना साहब की दुआ पहले हो गई है, अब इस सीरियल चाहे कितने चलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना सरजी साहब 10 आदमियों को लेकर दुआ कराया है, अब उसमें घर की औरतें चाहे कितनी ब्यूटी के बंडल बनाए सब हलाल, दुआ जो हो गई अब सब काम जायज हो गए। पूरी जिंदगी उठा लो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस सहाबा के साथ आप भी कभी गए हो कहीं, किसी ने कहा हो अल्लाह के रसूल मेरा घर बन गया हो चलिए दुआ कर दीजिए, और आपने किया? यहां तो नई दुकान बनती है तो वो किराए के टट्टुओं को बुलाया जाता है। किराए के टट्टू जानते हो, भाड़े के, एक एक पारा सबको पकड़ा दिया। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, ऐसे, अब आप ये मत कहना मौलाना आपने कैसे देखा, आप भी गए थे क्या? आप लोग बहुत अकलमंद हैं, बहुत अक्लमंद है। मैंने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा, देख रहा हम धीरे धीरे पढ़ पा रहे, कोई आगे उसे 3-4 पन्ने उलट दिए, कुरान खानी हो रही है। अब आप कहोगे मौलाना साहब कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, उसमें बुराई क्या है? फिर वही बात, फिर आप वही कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बुराई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये अमल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके सहाबा से साबित है? बस ये बुराई है जिस काम को आप दीन समझकर अच्छा समझकर कर रहे हैं, क्या उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर लगाकर पास किया है? क्या ये कहा है कि ये काम जायज है? क्या ऐसा किया है आपने कभी करके दिखाया है? नहीं, हर अमल पर मोहर नबी की होनी चाहिए। सहाबे किराम का अमल जानते हो क्या था? उफ़, आप ताज्जुब करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू दाऊद हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके सहाबा आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, और सुनो अल्लाह के नबी भी जूते पहने हुए, आपके प्यारे सहाबा भी जूते पहने हुए, हां ये नमाज जूते पहन कर हो रही है। जूते पहन कर नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि
पाक जमीन होनी चाहिए और जूते भी आपके पाक होना चाहिए। उस जमाने में कंकरीली जमीन हुआ करती थी, आजकल की तरह मस्जिदों में जो फर्श बिछे हैं उस तरह की के फर्श नहीं बिछा करते थे। सूरज की गर्मी उस कंकरीली जमीन पर आग के शोले उगलती थी। अगर वहां जूते पहनकर नमाज ना पढ़ी जाए तो जमीन पर पड़े हुए वो पथरीले कंकर पैरों में फलक पैदा कर दे। इसलिए जूते पहनकर नमाज पढ़ी जाती थी। आप कल अपनी मस्जिदों में जूते पहनकर मत पहुंच जाना। मौलाना जर्जीस ने कहा जूते पहन के नमाज पढ़ ले। इसलिए मैंने कंडीशन बता दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके प्यारे साहबा नमाज पढ़ रहे हैं। इज खलाना अलैक, अचानक नमाजी की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों जूते उतार दिए। नमाज ही की हालत में अपने दोनों जूते उतार दिए और उनको उठाकर हाथ से पकड़ा और बाएं तरफ रख लिए। ऐसे उतार लिए और उठा के बाएं तरफ रख लिए और फिर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। आपके प्यारे साथियों ने जब यह अमल देखा कि हमारे नबी ने जूते उतार दिए, हमारे नबी ने जूते उतार दिए, तो इन सहाबा ने भी अपने अपने जूते उतार कर बाएं तरफ रख लिए। सबने नबी ने उतारे तो सारे सहाबा ने उतारे। जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और जो चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया अल्लाह के नबी ने, जूतों का ढेर लगा है, सहाबा के जूते उतरे हुए देखे, सबने अपने अपनी तरफ रख लिए। जानते हो आपने क्या पूछा? सबसे पहला सवाल, मा हमलकुम अला इल्काई निआलिकुम, मेरे सहाबियों तुम्हें जूते उतारने के लिए कौन बोला? तुमने जूते क्यों उतारे? तुम जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, तुमने जूते क्यों उतार दिए? किस चीज ने तुम्हें उभारा जूते उतारने पर? तो सहाबा का जवाब जानते हो क्या था? हमारा जवाब वो नहीं है। सहाबा का जवाब क्या था? अरे अल्लाह के रसूल, आप हमसे पूछ रहे हैं कि जूते तो क्यों उतारे? अरे जो इमाम को करना चाहिए, जो इमाम करता है वही तो मुक्तदियों को करना चाहिए। राई नाक अल कई तना अलै, अल्लाह के नबी हमारी आंखों ने देखा कि आपने उतार दिए, फल कैना तो हमने भी उतार दिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मालूम। जो आपने किया वो हमने किया, आपको उतारते हुए देखा तो हमने भी उतार दिए। ये सहाबा थे, मेरे नबी ने जो किया वो हम करेंगे। जूते पहनकर नमाज पढ़ी तो हम भी पढ़ेंगे, नमाज की हालत में जूते उतार दिए तो हम भी उतारेंगे। वो ये नहीं पूछते थे आपने ऐसा क्यों किया, जो मेरे नबी ने किया वो हमने। अफसोस है आज के इंसान को और आज के मुसलमानों को और नारायणपुर वालों, आज के हम जैसे अहले हदीस नाम निहाद अहले हदीसों को तो ये चाहिए कि कोई भी काम देखो, चाहे वो कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने का मामला हो, चाहे आपकी मस्जिद में जुमे के दिन डबल आजान दो आजाने देने का मामला हो, चाहे वो अकीके के वक्त एक बड़े जानवर की कुर्बानी करके एक ही गाय में सात सात हिस्सों का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, आपको तो अपने इमाम का कुर्ता पकड़ के पूछना चाहिए इसकी दलील क्या है। हमें दलील दो तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो, हमें इस बात का सबूत दो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। आप जुमे के दिन डबल आजान दे रहे हैं, इसका सबूत हमें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। यहाँ हकीके में एक ही काय में सात सात हिस्से जो किए जा रहे हैं, हमें इसका सबूत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। क्या हकीके में गाय की कुर्बानी या बड़े जानवर की कुर्बानी में
गाय का बच्चे का टीका होगा या नहीं, बड़े जानवर की कुर्बानी लगेगी या नहीं, हम इसकी दलील कुरान हदीस से दो। कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगते हो, हमें इसकी दलील कुरान हदीस से दो। जुमे की नमाज के बाद इमाम हाथ उठाकर दुआ करे और सारे मुक्तदी दुआ में आमीन आमीन कहे, हमें इसकी दलील नबी अकरम की हदीस से दो, अल्लाह के रसूल के कौलो फेल से दो। चाहिए तो ये था, लेकिन अफसोस ये है कि आपने मौलवियों ही को निशाना बना दिया, आपने उनको ही कहना शुरू कर दिया। ऐसा करते हो, गलत करते हो। आपको रहना है तो दुआ मांगना पड़ेगी, घर में जाना पड़ेगा, कोई मर जाए तो उसके घर में भी जाकर दुआ कराना पड़ेगी। आपने अपने आप को अहले हदीस कहने के बावजूद भी शरीयत पर बुलडोजर चलाया है, शरीयत पर आपने आपने छुरी चलाई है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत और आपके तरीके को आपने मजरूह किया है, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा है, आपने बगैर दलील अमल करना शुरू कर दिया है। आपको सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसकी दलील क्या है। कुरान हदीस से हमें दलील लेना चाहिए था और मांगना चाहिए, लेकिन अफसोस ये कि आप उल्टे हमारे पर भी बोलते हैं। सहाबा का सीधा जवाब क्या था, हमने आपको जूते उतारते हुए देखा तो हमने भी उतार दिए। उसके बाद नबी का जवाब क्या था, आपने फरमाया सुनो मैंने जूते क्यों उतारे, फातानी जिब्रील, मैं नमाज पढ़ा रहा था, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, फाखबरनी, उन्होंने मुझे खबर दी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने जूते उतार दीजिए, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है, आपके जूते में गलाजत लगी हुई है, आपके जूते में कुछ नापाकी लगी हुई है। आए मेरे साथियों मोहम्मद रसूलुल्लाह आलिमुल गैब नहीं है, मुझे मेरे पैरों के जूते में लगी हुई गंदगी का भी इल्म नहीं है, ये मुझे जिब्रील ने नमाज की हालत में बताया, इसलिए मैंने नमाजी की हालत में मैंने जूते उतार दिए। अब तुम्हारे लिए कानून बना रहा हूं, तुम लोग दोनों जूतों में नमाज पढ़ने जब आओ तो आने के बाद जब कंकरीली जमीन पर नमाज पढ़ने के लिए जूते पहनकर नमाज पढ़ना चाहो तो अपने जूतों में देख लो, गंदगी तो नहीं लगी हुई है। अगर तुम्हारे जूतों में गंदगी लगी हुई हो, गलाजत नापाकी लगी हुई हो, तो उसको अपने पैरों को जमीन पर रगड़ लो, मिट्टी पर रगड़ लो और उस गंदगी को मिट्टी से साफ कर लो, फिर उसके अंदर तुम नमाज पढ़ो। आइंदा तुम अपने जूते देख लिया करना, अगर गंदगी लगी हुई है तो मिट्टी पर रगड़ लिया करना, जमीन पर रगड़ लिया करना और उसी के अंदर नमाज पढ़ लिया करना। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने अपनी वजह यह बताई कि मैंने इसलिए जूते उतार दिए थे, लेकिन तुमने क्यों उतारे, सहाबा ने भी जवाब दिया आपने उतारे इसलिए हमने उतारे। क्या जवाब था, ये था तरीका। या तो पूछने वाला कोई नहीं, मौलाना साहब है, कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। जानते हो, आइए एक और हदीस देखिए, इसको कहते हैं सुन्नत। अन्नाफीन अन्न रजुलन अतसा इला जंब इब्न उमर फकाल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हजरत नाफे कहते हैं, सुनिए हदीस, इसको कहते हैं सुन्नत। हजरत नाफे कहते हैं कि एक शख्स हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बगल में बैठा हुआ था, बाजू में साइड में बैठा हुआ था और उसको छींक आ गई। आजकल किसी को आ जाए तो भगा देगा, कोरोना के लक्षण पाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बगल में बैठा हुआ था और उस आदमी को छींक आ गई। अन्ना रजुलन आता सा इला जंब इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर के बगल में बैठा और उसको छींक आ गई। छींक कैसे छींका, तो छींकने के बाद उसने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए जुमला कितना अच्छा है, देखा जाए तो इसमें क्या बुराई है, अगर देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और सलातो सलाम हो, दरूद हो, सलाम हो अल्लाह के रसूल पर, वस्सलातु नहीं वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और सलाम हो रसूलुल्लाह पर। इतना सुना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कि उसने छींकने के बाद क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने क्या कहा? अना अकूल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, मैं भी चाहता हूं कि यही बोलूं, मैं भी चाहता हूं कि जब मुझे छींक आए तो मैं भी यही कहूं, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, मैं भी चाहता हूं, मेरा दिल भी चाहता है कि इतने पाकीज़ा इतने प्यारे जुमले मैं अपनी ज़बान से अदा करूं। लैसा हाकज़ा अल्लामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं सिखाया। अरे हाय कुर्बान जाओ ये थे सहाबा, कुर्बान जाओ ये थे सहाबा, क्या कहते हैं? लैसा हाकज़ा, लेकिन ऐसा नहीं सिखाया अल्लामना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हमें ऐसा बोलना नहीं सिखाया। अल्लामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हमें तो अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि जब तुम्हें छींक आए तो ये पढ़ा करो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वसलामु अला रसूलिल्लाह नहीं सिखलाया, इसलिए हम ये जुमले नहीं कहना चाहिए, हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। दुआ ही तो थी और नबी पर दरूद शरीफ ही तो था। आजकल हमारे भाई बड़ा मचल के जलसों में कितनी बार कहते मचल के पढ़ो अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना व हबीबिना व शफी, अरे जोर से पढ़ो अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना व हबीबिना। पता नहीं ये लाए कहाँ से सय्यदना व हबीबिना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, बती ने ला के खंबा जोड़ा, पूरी हदीसें पढ़ जा लो, कहीं मिलता ही नहीं है ये बेचारे। और जो दरूद अल्लाह के नबी ने सिखलाया देखो उससे कितनी नफरत है। अल्लाह के नबी ने हमें बस ये दरूद सिखलाया अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, ये दरूद सिखलाया अल्लाह के नबी ने हमें। लेकिन आज नबी के सिखलाए हुए दरूद से इतनी नफरत कि इनका कोई जलसा भी हो तो उसमें ये दरूद भी पढ़ना गवारा नहीं। क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना मुर्तजीना, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं वो और बना चढ़ा कर बुलाकर। वही मैंने कहा ना अभी अजान के बाद की दुआ क्या पढ़ते हैं वो, कभी आपने देखा होगा अजान के हो जाएगी तो अजान के बाद की दुआ सिर्फ इतनी है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन अलवसीला वलफ़ज़ीला वबअथ मक़ाम महमूद अल्लज़ी वादता, बस अजान की बात की दुआ इतनी है। लेकिन कभी अपने भाइयों से पूछना, अपने पड़ोसियों से पूछना कि अजान की बात की दुआ क्या है तो जानते हो क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन अलवसीला वलफ़ज़ीला वद्दरजतिर रफ़िया, ये वद्दरजतिर रफ़िया सही हदीस से साबित नहीं है, वो क्या कहेंगे? वद्दरजतिर रफ़िया आति मुहम्मदन अलवसीला वलफ़ज़ीला वद्दरजतिर रफ़िया वबअथ मक़ामा महमूदा الذي وعدته وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد, ये जुमले भी पढ़ेंगे انك لا تخلف الميعاد। अब बताइए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने क्या कहा? मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ये पढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाह والسلام على رسول الله ليس هكذا علمنا رسول الله, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं सिखलाया। अल्लामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह के रसूल ने तो हमें इतना सिखलाया कि मैं ये कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अरे बस ये दुआ बतलाई है छींकने के बाद की दुआ में, तो ये वद्दरजत रफ़िया ये सब कहाँ का कहाँ से लाए हो? हदीस से साबित नहीं है, मौजू और मन भड़क। तो ये है और सुन्नत समझना चाहते हो आओ एक और हदीस सुनाऊं। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, सुने अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर खड़े हैं खुतबा चालू, और इतने में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, देख रहे खुतबा चालू हो गया, जैसी दाखिल हुए
मस्जिद के अंदर, उनका एक पैर मस्जिद के अंदर है और एक पैर मस्जिद के बाहर है। अभी पूरी तरीके से दाखिल नहीं हुए, ऐसे जा रहे थे, ऐसे पैर एक अंदर और एक बाहर। मस्जिद में एक सहाबी खुतबे के दौरान खड़े हो गए, उठ गए, उनको कोई जरूरत पेश आई होगी तो वो खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को खड़े होते देखा, उनको उठते हुए देखा, तो आपने ऐसे देखे कहा इजलिस मकान, कहा उनसे जो खड़े हो रहे थे मस्जिद में दौराने खुतबा जो सुन रहे थे पहले से, आपने उनसे कहा खड़े हो रहे थे वो, इजलिस मकान, अपनी जगह पर बैठ जाओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ। लेकिन नाम नहीं लिया था आपने, आपने सिर्फ ये कहा अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये मस्जिद में घुस रहे थे अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, इनका एक पैर मस्जिद के अंदर था एक पैर बाहर था, इन्होंने सुना अल्लाह के नबी ने कहा अपनी जगह पर बैठ जाओ, ऐसे बैठ गए, ऐसे एक पैर अंदर एक पैर ऐसे बैठ गए। क्या स्टाइल रही होगी, हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे, आप लोग करके देखिए, ऐसे ऐसे बैठ गए। अल्लाह के रसूल के चेहरे पे हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई, आपने कहा तालिया अब्दुल्ला, आया अब्दुल्ला तुम इधर आओ, अरे तुम क्यों बैठ गए, तुमसे थोड़ी कहा था मैंने। फिर वो आने लगे, आपने कहा तुमसे थोड़ी कहा था मैंने, तुम क्यों बैठे। तो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह के रसूल मैं क्या जानूं आपने किससे कहा, आपने किसी का नाम थोड़ी लिया था, आपने सिर्फ ये कहा बैठ जा, मेरे कानों ने सुना नबी का हुक्म है बैठ जा, मैं उसी जगह पर बैठ गया। ये सोचकर नबी का हुक्म नहीं मानूंगा तो जहन्नमी हो जाऊंगा, नबी का हुक्म नहीं मानूंगा तो नाफरमानी कहलाई जाएगी, मैं इसलिए बैठ गया। ये फरमा बरदारी थी, ये इताअत थी, ये जज्बा था। कहां गया वो जज्बा, कहां गया, कहां गई वो इताअत, कहां गई वो फरमा बरदारी, कहां गया वो जज्बा, बताइए। मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हो, एक पैर अंदर हो, सोचिए तो सही स्टाइल क्या रही होगी, एक पैर बाहर हो एक पैर अंदर हो, और अल्लाह के रसूल ने दूसरे साहबी से कहा बैठ जाओ, और इन्होंने सुना तो बैठ गए, क्या हालत रही होगी, वो भी बुढ़ापे में बैठ तो गए। अल्लाह के नबी ने कहा ताल अब्दुल्ला इधर आओ, आए अब्दुल्ला मैंने तुमसे नहीं कहा। फिर आपने उनसे पूछ ही लिया कि तुमने तुम क्यों बैठ गए, तो उन्होंने जवाब दिया अय अल्लाह के रसूल मैं नहीं जानता आपने किससे कहा, आपने किसी का नाम नहीं लिया था, आपने तो सिर्फ इतना कहा बैठ जाओ और मेरे कानों ने इतना सुना कि बैठ जा, मैं उसी जगह पर बैठ गया ये सोच कर कि अगर नहीं बैठूंगा तो अल्लाह के रसूल का नाफरमान कहलाया जाऊंगा, इसलिए मैं उसी जगह पर बैठ गया। मेरे मुसलमान भाइयों, नारायणपुर के लोगों और इधर उधर से आने वालों, कल यह चक मुअज्जमपुर श्रीरामपुर लखीपुर और अतराफ वतनाब से आने वालों, मेरी तकरीर को आज गौर से सुन लो, ये मीडिया और चैनलों के जरिए तो पूरी दुनिया में पहुंच ही जाएगी, लेकिन आप आम करो, सुन्नत के मकाम को समझने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल का ये मकाम था कि जो जहां सुन लिया उसी जगह पर वो बैठ जाया करता था, वो बैठ जाया करता था। जरा सुनन दारवी के उन लफ्जों पर गौर करो, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद यही रावी है, फरमाते हैं कि एक बार मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, मेरे चंद लोगों को देखा वो हलका बनाए हैं, 10 आदमी इधर, 5 आदमी उधर, 20 आदमी इधर, 8 आदमी इधर, और सबने अपनी उंगलियों पर या कंकरियों पर, कुछ कंकरियां उन्होंने ले रखी थी, पत्थर की गिट्टियां, कंकरियां ये होती नहीं कंकरी, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, जैसे कंकरी मारी जाती है वो शैतान को छोटे चने के दाने के बराबर, तो वो कंकरियां उन्होंने ली थी, उनके पास रखी हुई थी कंकरियां। तस्बीह पढ़ने वालों, मालाएं घुमाने वालों, हाजी साहब आए कहां से हज करके, क्या लाए, तस्बीह लाए, कितना बड़ा नेक काम किया हाजी, क्या लाया, तस्बीह, और कितनी अच्छे तरीके से बांट रहा, लो दूसरों को लो, ये तस्बीह के बारे में ये बांट रहे हो ना, कम से कम सोच लिया आपने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने क्या कहा था इनके बारे में, इनके बारे में सुरंदर भी उठाओ कंकरियां, और 10 आदमी इधर, 5 आदमी इधर, लोग पढ़ रहे हैं 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर,
उन कंकरियों पर यही वजीफे पड़े जा रहे हैं। हाँ, आज भी हमारे मुआशरे में हमने देखा है, जब एनआरसी और सीएए का मुद्दा उठा था, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े शहरों में, मैंने देखा है कि मस्जिदों में बाकायदा वजीफे हुए। अल्लाह इस देश के प्रधानमंत्री की अकल घुमा दे फिरा दे, अमित शाह की खोपड़ी को घुमा दे फिरा दे, तो वजीफे हुए और लोगों ने सवाओ सवाओ लाख मरतबा वजीफे पढ़े, तस्बीह पर ला इलाहा इल्लल्लाह कबीर और सुभान और इसका ये हस्बुनल्लाह व नियमल वकील कबीर सवाओ सवा सो लाख मरतबा सवा सवा लाख मरतबा पढ़ा गया है। ये तरीके आप अपनाएंगे जो शरीयत से साबित ना हो वो तरीके अपनाए गए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैंने देखा कुछ लोग हलकों में बैठे हुए हैं और कंकरियों पर पढ़ रहे हैं, कोई 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर इन कंकरियों पे पढ़ रहा है। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने उनको बद्दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हलाक कर दे। एक सहाबी की बद्दुआ, उन कंकरियों पर पढ़ने वाले सहाबियों को क्या कह रहे हैं अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, फरमाने तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाए, तुम्हारी माँ तुम्हें मरा हुआ पाए, यानी तुम मर जाओ, तुम हलाक हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। उन सहाबियों ने पूछा, आए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आपको क्या हो गया है, आप हमें मस्जिद में आने के बाद बद्दुआ दे रहे हो, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं ये अच्छा काम है। उन लोगों ने कहा हाँ, इन कंकरियों पर हम 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़कर अल्लाह की तस्बीह जिक्र अस्कार कर रहे हैं। तब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा है, मैं तुम्हें बद्दुआ न दूं तो क्या दूं, अभी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के कपड़े पुराने नहीं हुए, अभी नबी अकरम को इस दुनिया से गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंतकाल किए हुए ज्यादा जमाना नहीं हुआ, अभी नबी अकरम के कपड़े पुराने नहीं हुए, अभी नबी अकरम के बर्तन पुराने नहीं हुए, अभी अल्लाह के रसूल की छड़ी आपकी पुरानी नहीं हुई और तुमने दीन के अंदर एक नई चीज निकाल ली, दीन के अंदर तुमने एक नई बिदत निकाल ली। हमने अल्लाह के रसूल के जमाने में नबी अकरम को और आपके सहाबा को इन उंगलियों के पोर पर पढ़ते हुए देखा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और तुमने कंकरियों पर पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी अल्लाह के नबी के कपड़े पुराने नहीं हुए और तुमने दीन के अंदर नई बिदत निकाल ली। यह सूरत हाल थी जब मस्जिद में बैठकर कंकरियों पर नहीं पढ़ा जा सकता है तो तस्बीह के दानों पर कैसे पढ़ा जा सकता है। हज करने वालों तुम्हें हज मुबारक हो, आइंदा भी तुम कभी हज करने जाओ तो अच्छी बात है जाओ, लेकिन वहां से इस तरीके की खुराफातें लेकर मत आओ, जमजम लाओ, खजूर लाओ, वहां बहुत सी दीनी किताबें तकसीम होती हैं, बंगला में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी, आप वहां से दीनी किताबें लेके आइए, किसी को तस्बीह देने के बजाय आप किसी को अपनी बंगला जबान में वहां से लाई हुई दीन की किताब दे दीजिए, कुरान लाकर दे दीजिए, आपके लिए ये चीज भी सवाब का बाइस बनेगी। आप उन चीजों को दे रहे हैं जिसका कुरान और हदीस के अंदर कोई वजूद नहीं है। हमें सोचना चाहिए, और अभी तक ना मालूम था तो इसलिए अल्लाह से तौबा कीजिए, अब मालूम हो जाने के बाद इन चीजों से बचिए। आपको नहीं मालूम शरीयत क्या है, आओ मैं तुम्हें बताऊं शरीयत क्या है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर अपने एक साथी हजरत मुजाहिद के साथ सफर कर रहे हैं, एक जंगल की तरफ से एक शहर की तरफ घुसना हुआ, आपका जाना हुआ, जुहर की नमाज का वक्त था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहने लगे, मुजाहिद आसपास कहीं मस्जिद नजर नहीं आ रही है, हमको जुहर की नमाज पढ़ना है। हजरत मुजाहिद कहते हैं, हाँ कोई मस्जिद तो नजर नहीं आती है। अभी दोनों गुफ्तगू ही कर रहे थे कि इतने में अजान की आवाज सुनाई दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत मुजाहिद कहते हैं, हाय अब्दुल्लाह इब्ने उमर, तुम्हें कहीं अल्लाह का नाम
पुकारा, कोई अल्लाह का नाम पुकार रहा है, क्या तुम्हें आवाज लग रही है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कान लगाया, फरमाते हाँ आस पास ही कहीं मस्जिद है, अजान की आवाज आ रही है, चलो चलो जल्दी उस मस्जिद की तरफ चलते हैं। जैसे अब्दुल्लाह इब्ने उमर हजरत मुजाहिद के साथ उस मोहल्ले में पहुंचते हैं, मस्जिद का दरवाजा आ गया, हजरत उमर मस्जिद में दाखिल होना चाहते हैं, इतने में अजान का आखिरी जुमला अदा होता है, मुअज्जिन कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत उमर ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने समझा अजान हो गई है, अब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, इतने में मुअज्जिन जिसने अजान दी, अजान देने के बाद उसने एक लफ्ज एक जुमला अपनी तरफ से अदा कर दिया, अस्सलातुल जामिया अस्सलातुल जामिया, लोगों जल्दी आओ मस्जिद में जल्दी आओ, नमाज खड़ी होने वाली है, नमाज खड़ी होने वाली है। देखिए कोई बुरा जुमला नहीं कहा, उसने नमाजी के लिए बुलाया, उसने सिर्फ ये कहा लोगों जल्दी आओ मस्जिद में जमात खड़ी होने वाली है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने मस्जिद में कदम रख दिया था, हजरत मुजाहिद से कहते हैं मुजाहिद मेरा हाथ पकड़ो, मुजाहिद मुझे घसी आ रही है, मुजाहिद मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। मुजाहिद कहते क्या हुआ? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं मुजाहिद मुझे यहां से निकालो, इस मस्जिद में मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये बिदअतियों की मस्जिद है, ये बिदअतियों की मस्जिद है, इस मस्जिद से मुझे निकालो, मैंने अल्लाह के नबी के जमाने में सिर्फ अजान इतनी सुनी ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान का मतलब ही होता है नमाज के लिए आओ, लेकिन इसने अपनी तरफ से सलातुल जामिया कह दिया कि जल्दी आओ नमाज खड़ी होने वाली है, अपनी तरफ से कहकर इसने लोगों को बुलाया, ये नई चीज इसने ईजाद कर दी है, बिदअतियों की मस्जिद है, आए मुजाहिद मुझे इस मस्जिद से निकालो, इस मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी। सोचिए इतना सा जुमला बढ़ गया तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा, बाहर निकले अपनी पगड़ी उतारी उसी को चादर बना लिया उसी को जमीन पे बिछा लिया और बगैर टोपी के नमाज पढ़ ली, बगैर अमामे के नमाज पढ़ ली, क्योंकि टोपी लगाना ना फर्ज है ना वाजिब है ना कोई ज्यादा सवाब का हामिल है, इसलिए उन्होंने सोचा जमीन पर बिछा लो, सर से पगड़ी उतर गई तो क्या हुआ, मैंने अल्लाह के रसूल को नंगे सर नमाज पढ़ते हुए भी देखा है। मेरे प्यारे साथियों उन्होंने मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ ली, अपने सर का अमामा उतार के जमीन पर बिछा के नमाज पढ़ना गवारा कर लिया, लेकिन उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी है। हम अंदाजा लगाएं मौलाना जर्जीस आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक रखता है, बाहर से आने के बाद जिस मस्जिद के अंदर हर फर्ज नमाज के बाद दुआ को जरूरी समझ के मांगा जाता हो और इमाम को मजबूर किया जाता हो, बताइए कौन से किस ख्याल से मस्जिद में दाखिल हुआ जाए और कौन सा इरादा लेकर मस्जिद में जाया जाए, जहां कब्रिस्तान के अंदर हाथ उठाकर मैयत मरने के बाद दफनाने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने को जनाजे का एक हिस्सा तसव्वुर किया जाता है किया जाता हो, मेरे भाइयों कौन सा चेहरा लेकर और कौन सा इरादा लेकर आपके यहां आया जाए। 18-20 साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है, लेकिन वही घिसी पिटी बातें और वही चीजें चली आ रही है। आज ये चीज तो आपने जरूरी समझ ली, आपको मालूम है हजरत अमीर माविया खाने काबा का जब तवाफ करते थे तो खाने काबा का तवाफ करते हुए चारों कोनों को छूते थे, चारों काबे के चार कोने हैं ना, चारों कोनों को छूते थे, जबकि हुक्म क्या है, हुक्म क्या है, आप पहला चक्कर जो लगाएंगे वो हजरे अस्वद जहां है वहां से आप शुरू करेंगे उस कोने से, और वहां से चक्कर लगाते हुए आप आएंगे रुकने यमानी को छुएंगे, ये ऐसे अगर छू सकते हैं आराम से तो छू लीजिए उसको आप छुएंगे, और रुकने यमानी इसके बाद जो कोना आएगा वो हजरे अस्वद का होगा, यहां से यहां तक आप ये दुआ पढ़ेंगे रब्बना तना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ जोर से पढ़ेंगे आप, रुकने यमानी छुएंगे और वहां से ये दुआ पढ़ते हुए जोर से
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जब काबा का तवाफ करेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं, चाहे उमरा करें या हज करें, जब आप तवाफ करेंगे काबा का तो पहला चक्कर आप हजरे यसवद से शुरू करेंगे और करते करते पहला चक्कर पहला कोना निकलेगा, दूसरा कोना निकलेगा, तीसरा कोना जो आएगा वही रुकने यमानी है, उसको छुएंगे और चौथा कोना फिर हजरे असवद है। तो रुकने यमानी से लेकर हजरे असवद तक आप ये दुआ पढ़ते हुए आएंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अब हजरे असवद पर आने के बाद अगर आसानी से बोसा ले सकते हो तो ले लीजिए, और आसानी से बोसा नहीं ले सकते हो तो अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए और ये कहिए अल्लाहु अकबर, ये कहकर आप आगे बढ़ जाइए और चक्कर लगाइए, खामखा हलाकत में अपने आप को मत डालिए, ज़बरदस्ती किसी को धक्का देकर चूमने की कोशिश मत कीजिए खाने हजरे असवद को, क्योंकि वहाँ कुछ हबशी लोग भी तवाफ करते हैं ना, बड़े मोटे ताज़े होते हैं, हमने थोड़ी बहुत कोशिश की तो एक धक्के में गिरे थे, हम बड़े लंबे चौड़े होते हैं, अब उनको थोड़ी मालूम ये मौलाना जर्जीस है कौन है, वहाँ तो सब एक ही ड्रेस में है, एक ही लिबास में है, अब हम जैसे सोच रहे थे कि चले जाएँ ज़रा चूम लें, तो जैसे ही गए धक्का लगा, वो गए, वो तो गिरे नहीं थे, वो गिरते ही नहीं है वहाँ, गिरेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही गिरेंगे, वो उठा लेता है मुसीबत मोल मतलब, चलो अल्लाह अकबर कह के आगे बढ़ गए। और वो बड़े बदमाश होते हैं, काले लोग जो होते हैं वो हबशी, वो किसी के नहीं देखते हैं, वो एक तो अफ्रीका अफ्रीका के होते हैं, लगता है उनके काले होठों से ही हजरे असवद काला होता है ऐसा लगता है, वो इतने वैसे होते हैं हूं कर करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तरीका चार, लेकिन रुकने यमानी को छूना और हजरे असवद को बोसा लेना अगर आसानी से हो सके। लेकिन अमीर माविया क्या करते थे, वो चारों कोने छूते थे, ये फिर दूसरा चारों कोने छूते थे। एक बार अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने उनको देख लिया तो तवाफ के बाद उनको पकड़ लिया, कहने लगे ये तुम क्या करते हो, कहा क्यों ये चार कोने क्यों छूते हो, ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छू लिया, ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छू, ऐसा क्यों करते हो। तो हजरत अमीर माविया ने फरमाया आय अब्दुल्लाह, खाने काबा पूरा का पूरा बरकत हासिल करने की चीज है, तबर्रुक है, हम चाहते हैं कि उसके ज्यादा से ज्यादा हिस्से को छू ले ताकि बरकत हासिल हो जाए। देखिए मकसद अच्छा था, दिल में नीयत अच्छी थी, मकसद अच्छा था, इरादा नेक था, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हजरे पूरा का पूरा काबे का जितने कोने सब छू लूं, ज्यादा से ज्यादा छू लूं ताकि बरकत हासिल हो। इस पर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने क्या फरमाया, सुनो तुम गलत करते हो, मैं भी चाहता हूं कि काबे से लिपट जाऊं, मैं भी चाहता हूं कि पूरे काबा के एक एक हिस्से को मैं छूं और चूमूं और चाटूं और बरकत हासिल करूं, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। आए माविया ऐसा नहीं, अल्लाह के नबी ने रुकने यमानी को छुआ है और हजरे असवद को बोसा लिया है, बस हमें रुकने यमानी को छूना है और हजरे असवद को बोसा लेना है, चारों कोनों को नहीं छूना है। ऐसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है, ऐसा हमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अमीर माविया कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, इतने बड़े सहाबी लेकिन गलती वापस ले ली, क्या कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं ऐसा ही करूँगा, रुकने यमानी को छूँगा और हजरे असवद को बोसा लूँगा, क्योंकि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। एक चीज़ अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ा रहे, एक हदीस एक वाकया और सुनकर मैं आपको रुखसत करूंगा, आपके पिंडाल से जाइए। मेरे भाइयों सुनिए, बड़ा अच्छा वाकया है, बड़ा अच्छा। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने एक मर्तबा उस आदमी को डांटा, फजर की नमाज के बाद दो रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, फजर में दो रकात सुन्नत है, दो फर्ज है, दो सुन्नत दो फर्ज, तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने एक आदमी को डांटा, क्यों डांटा कि वो दो रकात सुन्नत पढ़ने के बाद अभी देखा नमाज में टाइम है, फर्ज नमाज में देर है, अभी बाद में जमात खड़ी होगी, तो दो रकात सुन्नत पढ़ने के बाद वो और दो रकात पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर, और लंबी लंबी नमाज पढ़ने लगा। जब लंबी नमाज पढ़ के खत्म किया तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने डांटा, देखिए दो रकात सुन्नत पढ़ चुके थे, अब दो फर्ज पढ़ना है, तो फर्ज तो पढ़ने रहे,
वो तो जमात के साथ पढ़ोगे, दो सुन्नत पढ़ने के बाद दो रकात और पढ़ने के लिए खड़े हो गए ये सोचकर अभी टाइम तो है और पढ़ लो। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जब डांटा तो उन्होंने कहा मुझे क्यों डांट रहे हो, कहा तुम्हें गुनाह पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा आए अब्दुल्ला नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे गुनाह देगा। देखिए सवाल देखिए, अरे मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे अजाब देगा? अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा नहीं, नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, सुन्नत की मुखालिफत करने पर अल्लाह तुम्हें अजाब देगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फजर की दो सुन्नत और दो फर्ज ही पढ़ी है, तुम दो सुन्नत पढ़ने के बाद फिर सुन्नत पढ़ने के लिए खड़े हो गए हो, ये गुनाह है, ये अजाब है, तुम्हें नमाज पढ़ने का अजाब नहीं पड़ेगा, सुन्नत की मुखालिफत करने की सजा देगा, तुम सुन्नत बदल रहे हो, नबी का तरीका बदल रहे हो, इसका अजाब देगा। तो मेरे भाइयों हमें सुन्नत को पहचानना चाहिए। जुमे के खुतबे में मैंने कहा नियत पर डिपेंड है हमारे हमारी इबादत, और आज हमने ये बताया हमारी इबादत सुन्नत पर डिपेंड है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर पर डिपेंड है, नबी के तरीके पर डिपेंड है। हमारी इबादतों पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी है तो वो कबूल होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करिए बारे अल्लाह हमें किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान और हदीस के मुताबिक इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी माँ बहनों को भी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल-हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।